हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज हम लेके आए तुम्हारे इंटरनेट का सुनो थोड़े का ओपन न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, तुम्हारे इंटरनेट का सुनो थोड़े गेम प्ले में फाइनली तुम्हारे ऑयल के ड्रम ऐड हो चुके हैं अपने गेम में। मतलब कि जो तुम्हारे ऑयल के ड्रम ऐड हुए हैं उनको स्पेम कैसे करना है एंड कौन से मैप में उन ऑयल के ड्रम को ले पाएंगे वो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और इसके अलावा जैसे कि तुम्हारे गेम में ना ऑयल के ड्रम तो ऐड हो चुके हैं, ठीक है, बट उन ऑयल के ड्रम को अपनी ट्रॉली में, बिग ट्रोला में, ट्रक में, टाटा डंपर में लोड कैसे करना है, क्या हम तुम्हारी जेसीबी से उन ड्रमों को लोड कर पाएंगे और लोड कर पाएंगे तो कैसे लोड कर पाएंगे, तो वही इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो गाइस, लेट्स गो। तो हाँ, तो गाइस मतलब कि तुम्हारे इंडर वाइकस लोना थोड़ी गेम प्ले में फाइनली तुम्हारी ऑयल के ड्रम ऐड कर दिए हैं। मतलब कि जेसीबी का मिशन ही ऐड किया है ऑयल का ड्रम, वो भी तुम्हारी गेम में ऐड हो चुका है। अब वो दिखाऊंगा मैं आप सभी को जो ऑयल का ड्रम ऐड हुए हैं वो किस मैप में ऐड हुए हैं, तुम्हारे फार्मिंग मैप में स्पेम कर सकते हैं नहीं कर सकते वो भी करके दिखाऊंगा। और अभी कौन कौन से और ऐसे मतलब कि मिशन है जेसीबी के वो ऐड होने वाले हैं। मतलब कि हमने सबसे पहले क्या किया है कि तुम्हारे जेसीबी के मिशन है ना सभी उन्हीं को सबसे पहले ऐड कर रहे हैं। तो अब एक मिशन ऐड कर दिया, तो सिंपल सा मैं बैक चलूंगा, उसके बाद तुम्हारी होम पे क्लिक कर दूंगा एंड प्ले पे क्लिक करूंगा, फिर ओपन वर्ल्ड, फिर न्यू मैप पे। न्यू मैप पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो आपके सामने तुम्हारी एक जेसीबी आ जाएगी और 100 ड्रम आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे जितने भी तुम्हारे ड्रम है ना वो 100 ड्रम है, मतलब कि एक लाइन से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, तो तुम्हारे जो ड्रम ऐड हुए हैं ना वो 100 ही ड्रम ऐड हुए हैं तुम्हारे गेम प्ले में। मतलब कि अब तुम्हारे चलो 100 ड्रम तो ठीक है, बट इनको लोड कैसे करना है अपनी जेसीबी से, क्योंकि लोड करने का और कोई ऑप्शन तो है नहीं, कोई आदमी है तो नहीं है कि उठा उठा के इनको मतलब कि उन ट्रॉली में लोड कर देगा, बट हम ना जेसीबी से लोड करेंगे। एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक समझ लेना या फिर लोड करने का सिस्टम समझ लेना। इन ड्रमों को लोड करेंगे अपनी छोटी ट्रॉली में, सबसे पहले छोटी ट्रॉली में लोड करके देखेंगे, फिर बिग ट्रॉली में, बिग ट्रोला में एंड उसके बाद तुम्हारे टाटा डंपर है, ट्रक है, उनमें सब में लोड कैसे करना है। बस इस ट्रिक को तुम जान गए ना तो उसके बाद तो मतलब कि सभी में लोड कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन पर क्लिक करके AI ऑन कर दिया, मतलब दूसरा टाइटल ले लिया। कुल मिला के ये कहना मैंने 16855 टाइटल स्पेम कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना अपना ट्रैक्टर सेट कर लूंगा वहां जाके, जैसे कि मुझे मतलब कि एक ले बनानी पड़ेगी, एक तरह से सेट करना पड़ेगा अपना ट्रैक्टर। तो सिंपल तरीके से ना मैं अपने 16855 ट्रैक्टर को पहले अच्छे से सेट कर लूंगा ड्रमों के साइड में, मतलब जो ड्रम की साइड है ना इधर की साइड जो पेड़ खड़ा हुआ है, इन ड्रमों को यहाँ पर पहले अच्छे से सेट कर लूंगा, जिससे कि मैं अपनी जेसीबी से ईजी तरीके से अपनी छोटी ट्रॉली में अच्छी तरह से तुम्हारे ड्रमों को लोड कर पाऊँ। क्योंकि पहले क्या होता है, मुड़कने का भी सिस्टम देना पड़ेगा उसमें तुम्हारी जेसीबी को, तो वो सबसे मतलब स्पेस देनी पड़ेगी। कुल मिला के ये कहना मेरा, पहले हम स्पेस दे देते हैं। अब तुमने देखा भाई, मैंने बिग ट्रॉली ली, अब स्पेस नहीं थी उतनी तुम्हारी बिग ट्रॉली, मतलब छोटी ट्रॉली आने की, तो तुम्हारी ट्रॉली थी ना वो जेसीबी के अगले खोचे में फंस गई, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, थोड़ा स्पेस लेके ना तुम्हारी मतलब छोटी ट्रॉली ले ली है। अब मैंने एक साइड मतलब खड़े कर दी तुम्हारी ट्रैक्टर ट्रॉली, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब तुम ध्यान से देखना, जो तुम्हारी जेसीबी है ना मैं इसको अच्छे से ले लिया मैंने, ठीक है, जेसीबी ले लिया मैंने। अब जेसीबी से मैं क्या करने वाला हूँ, तुम्हारे जो मतलब कि ड्रम है ना इनको उठाने वाला हूँ अगले वाले, तुम्हारी जो अगले वाला जो बकेट है ना इससे उठाने वाला हूँ। कैसे, तो मैं सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल तुम्हारा जेसीबी का खोचा है ना बिल्कुल डाउन कर देना है, मतलब कि जो इसके आगे के नाखून से ना खोचे के मतलब कि बोलते हैं ना दांत से आगे के, उनको ना धत्ती से अड़ा देना है और बिल्कुल मोड़ देना है, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, जो कि इजी तरीके से तुम्हारे जो ड्रम है ना अच्छी तरह से फंस जाए। अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई कि इन ड्रमों को उठाना इतना इजी नहीं है जेसीबी से, तो यही तो भाई चैलेंज है। अगर मान के चलो हम इसे इजी कर देते, नॉर्मल कर देते, तो तुम सिंपल तरीके से उठा नहीं पाते और फिर मिशन में मजे भी नहीं आते। क्या होता कि बस उठाओ पटक दो, उठाओ पटक दो, यही कर पाते। बट यही तो चैलेंज होने वाला है कि तुम्हें अगले वाले जेसीबी के खोचे से तुम्हें ये बकेट भरने हैं, दो तीन जितने भी भरो और फिर अपनी ट्रॉली में लोड करने हैं, ट्रक में लोड करने हैं, टाटा डंपर में लोड करने हैं। तो यही तो मिशन होने वाला है, इसी में तो इंटरेस्ट आएगा। जितना हार्ड चैलेंज होगा उतने ही मजे आएंगे अपने गेम प्ले में। अगर इसे नॉर्मल कर देते, ईजी कर देते ना, तो इतने मजे नहीं आते फिर गेम प्ले करने में। क्या होता, बस भरते उठा के पटक देते, ये कोई मिशन थोड़ी होता है भाई। जब तक जिस मिशन में चैलेंज ना हो और इंटरेस्ट ना आए ना, जब तक वो मतलब चैलेंज है ही नहीं है, मिशन ही नहीं है तुम्हारे गेम प्ले में, ये समझ लेना, ठीक है ना। तो हमने ये एक चैलेंजिंग हार्ड मिशन ऐड किया है तुम्हारे गेम प्ले में। अभी तो लिटरली बता रहा हूँ, बहुत नेक्स्ट लेवल मिशन आने वाले हैं। अब की बार का जो अपडेट है ना भाई, बहुत बिग अपडेट होने वाला, बहुत बड़ा अपडेट बोल लो। अब जैसे कि तुमने देखा, मैंने अगले वाले खोचे में कैसे भी करा, बट एक हार्ड चैलेंज तो है ना, मैंने अगले वाले खोचे में एक ड्रम ले लिया है। अब मैं तुम्हारी ट्रॉली में लोड करूंगा, तो मैंने सिंपल से यहाँ पे अगले वाले बकेट में ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे मैंने ट्रॉली क्यों सेट की, यही इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे पहले तुम ट्रॉली सेट कर लेना अपनी को,
उससे क्या होगा, तुम इजी तरीके से तुम अपने जो ट्रॉली होगी ना, छोटी वाली ट्रॉली हो चाहे बिग ट्रॉली हो, टाटा डंपर हो, कुछ में जिसमें तुम भरना चाहते हो, लोड करना चाहते हो ना, इजी तरीके से लोड कर पाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हारा ड्रम था वो अपनी मतलब ट्रॉली है छोटी वाली उसमें लोड कर दिया है। ऐसे ही आप सब भी करके देखना भाई, लिटरली बता रहा हूँ। जब आप सबके पास जब अपडेट आएगा ना ये वाला, तो आप सभी को ना बहुत ही मजे आने वाले हैं इस बार के अपडेट में, क्योंकि ये वाला जो अपडेट है ना एक तरह से मिशन का ही अपडेट होने वाला है। इसीलिए हमने क्या सोचा, सबसे पहले मिशन ऐड कर देते हैं तुम्हारी जेसीबी के, उसके बाद फिर व्हीकल मोडिफिकेशन पर काम करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि पहले व्हीकल ऐड कर देते हैं और फिर बाद में ना मिशन रह जाते हैं अपडेट देने के चक्कर में, तो इसीलिए सबसे पहले मिशन ऐड कर रहे हैं और फिर बाद में व्हीकल ऐड करना स्टार्ट करेंगे, मॉडिफिकेशन स्टार्ट ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो अब की बार जो अपडेट है वो तुम्हारा चैलेंजिंग मिशन होने वाले हैं। अब तुम्हारा एक तरह से ना ये भी चैलेंजिंग है, इनको एक ड्रम भरना, एक साथ दो ड्रम भरना, एक साथ तीन ड्रम भरना, जैसे कि मैं यहाँ पर ईजी तरीके से तुमने देखा भाई नॉर्मली तरीके से मैंने यहाँ पे एक चैलेंज कंप्लीट किया, पहले एक ड्रम लोड कर लिया, अब की बार मैं दोबारा से ड्रम लोड कर रहा हूँ। और यहाँ पर ना तुम एक साथ तीन ड्रम लोड कर सकते हो अपने अगले वाले खोचे में, अगर तुम थोड़ा सेंस लगाओगे और थोड़े अच्छी तरह से मतलब कि इस मिशन को करोगे ना। एक तरह से हार्ड तो है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत हार्ड है जेसीबी को खोचे को अड़ाना और फिर उसके बाद उसमें ड्रम मतलब कि भरना। तो भाई लिटरली ये मिशन जो है ना बहुत हार्ड होने वाला, एक बार जब तुम्हारे पास ये एक्चुअल में अपडेट आएगा ना, मैं तो भाई खेल रहा हूँ, बहुत मजे आने वाले हैं। क्योंकि ये हार्ड चैलेंज तो है, अब की बार जो अपडेट है वो हार्ड चैलेंजिंग मिशन के ऊपर ही होने वाला है। क्योंकि अब तुम जब मिशन करोगे ना, हार्ड मिशन करोगे, जब तुम्हें मजे आएंगे इन मिशन को करने में और फिर टाइम भी लगने वाला है। मतलब कि ये नहीं कि खाली टेटर टेटर रोंदते रहो कि मतलब कि अपने गेम में ऐसे वाला सिस्टम नहीं है। अब तुम्हें जब मिशन करोगे ना कि पहले ड्रम भर लिया हमने, मतलब 30-40 ड्रम भर लिया अपनी ट्रोला में, जो तो अभी छोटी ट्रोली है इसमें तो 10-20 ही आएंगे, 10-20 नहीं 6-7 ही आएंगे तुम्हारे ड्रम इसमें, बट जो बिग ट्रोला है, टाटा डंपर है, उनमें जब भर के दूसरे का ट्रांसपोर्ट करोगे एंड इस तरह का ना एक मिशन कर पाओगे आप सब अपने गेम में, तब आप सबको बहुत मजे आने वाले हैं। बट आप सब ना अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप सबको ड्रम ऑयल वाला सिस्टम कैसा लगा। लोडिंग सिस्टम भी ऐड कर दिया है, ड्रम भी ऐड कर सकते हो, मतलब कि ड्रम ना तुम दो तरीके से लोड कर सकते हो। एक तो तुम स्ट्रेट तुम्हारे ड्रम रखे हुए ऐसे लोड कर सकते हो, या फिर ड्रम को गेर के ना धरती पर गेर के जैसे सिलेंडर होता है गोल गोल, ऐसे गेर के ना इस ड्रम को, उसके बाद तुम उससे तो तुम ईजी तरीके से लोड कर पाओगे कि गोल गोल होगा तो ईजी तरीके से तुम्हारी अगले वाले जो बकेट है ना उसमें ईजी तरीके से आ जाएगा। तो ईजी तरीके से लोड करके ना अपनी ट्रॉली में लोड कर पाओगे, तब और ज़्यादा आ जाएंगे तुम्हारे ड्रम। तो ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, दो तरह से तुम इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखे तुमने, मैंने मतलब कि दो ड्रम लोड कर लिया अपनी जेसीबी के अगले वाले खोचे में। और हाँ एक चीज और, जैसे कि तुम अपनी जेसीबी के अगले खोचे में ड्रम लोड कर लो ना, तो जब मतलब कि ड्रम लोड हो जाते हैं अपनी जेसीबी में, तो भूल के भी पीछे एक ड्रम पड़ा हो या कुछ भी मतलब पलटा पड़ा हुआ ना, तो उस पर भूल के भी टायर ना चढ़ना चाहिए, मतलब जेसीबी टच नहीं होनी चाहिए उससे। अगर थोड़ी सी भी टच हो गई ना तो तुम्हारी जेसीबी वो पलट जाएगी और जो तुमने ड्रम अगले ड्रम उसमें भरे हुए ना वो सब फैल जाएंगे, मतलब कि जो करी करी मेहनत होगी ना वो सब बर्बाद हो जाएगी, ना तुम्हें ट्रैक्टर भूसे चढ़ाना है ना कुछ करना। क्योंकि रीजन बताता हूँ इस चीज़ का, ये चीज़ मतलब कि सिस्टम ठीक हो सकता है, अगर इस सिस्टम को हम ठीक करेंगे ना तो फिर तुम्हारे जो ड्रम है ना उनका जो वजन होगा तुम्हारे ड्रम में, जो मतलब कि एक तो ड्रम होता है उनमें वेट होता है, ठीक है, उस वेट को ना हटाना पड़ेगा जब ही ये वाला सिस्टम ठीक हो सकता है। अगर तुम्हारे ड्रम वाला वेट हटा भी दिया तो भाई फिर एक प्रॉब्लम होगी कि टेटर लोड नहीं लेगा, मतलब कि मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ जो हवा में जैसे हवा में लटकी होती है ना कोई चीज़, वो वाला सिस्टम हो जाएगा जिससे कि मज़े नहीं आएंगे गेम प्ले में फिर खेलने में। तो वेट होना ज़रूरी है, इससे क्या कि बस इसको मतलब कि अच्छी तरह से सेट कर लो, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्रम ना गेर लिया है, तो ऐसे ही आप सब गेर के ना एक पूरे ड्रम को भर सकते हो अपने अगले वाले बकेट में और इजी तरीके से लोड कर सकते हो। अब ये कमेंट मत करना कि भाई ये हार्ड हो जाएगा, हार्ड चैलेंज जब करोगे ना जब ही मजे आने वाले हैं अपने गेम प्ले में। जब तक तुम हार्ड चैलेंज कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा गेम प्ले खेलने में और वो नॉर्मल तरीके से पटकते जाओगे तो इन चीज़ों में मजे नहीं आएंगे। जब तक वेट होगा एंड तुम्हारे हार्ड चैलेंज होंगे तभी मजे आएंगे, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा गेम प्ले में। तो इसीलिए ना अभी तुम्हारे देखो गन्ने वाली जो ट्रॉली थी ना, गन्ने वाली ट्रॉली नहीं आ रही है, ट्रॉली यही रहेंगी, चाहे छोटी ट्रॉली हो, बिग ट्रॉली हो, टाटा डंपर हो, ट्रक वन ट्रक टू हो, बट हमने ना कुछ गटरी बना दी, गटरी होती है तुम्हारी गन्ने की गटरी होती है, उनको मतलब कि हम रस्से से बांध के गटरी से बना लेते हैं बड़ी बड़ी, वो ही हमने सेम तुम्हारी गेम प्ले में बना दिया, उनके भी मॉडल रेडी हो चुके हैं। शायद कल या परसों की वीडियो में आप सभी को गन्ने भी ऐसे 100 गटरी होंगी, जैसे ये 100 ड्रम है ऐसे ही 100 गटरी होंगी, उनको तुम इजी तरीके से लोड कर पाओगे, चाहे वो डाटा डंपर हो, ट्रक हो, कोई सा भी ट्रक हो, तीन ट्रक है अपने गेम प्ले में,
उनमें से कोई ट्रक में लोड कर पाओगे अपनी जेसीबी से। लोड करने का सिस्टम ओनली एक ही है, जेसीबी। बट जो हार्ड चैलेंज होगा वो चैलेंज हार्ड होने वाला है, बस यही समझ के चलना। अभी तो और इंटरेस्टिंग मिशन आने वाले हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक हैं। अब तुम्हारे गेम प्ले में ऐड करना चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब तुम एक्टिव रहना और सपोर्ट करना इस चीज़ में कि भाई तुम्हारे गेम प्ले में और क्या क्या नई नई चीज़ें आने वाली हैं। बहुत नेक्स्ट लेवल गेम प्ले अपडेट होने वाला है ये वाला, क्योंकि इस अपडेट में व्हीकल मॉडिफिकेशन में मॉडल भी आने वाले हैं। स्कॉर्पियो एन, न्यू थार, स्कॉर्पियो S11 का न्यू मॉडल, मतलब कि व्हीकल मॉडिफिकेशन भी, न्यू मिशन भी। अब के जो अपडेट है ना वो बिग अपडेट होगा, और ये ना लॉन्ग अपडेट में जा रहा है, मतलब कि ये वाला जो अपडेट है ना बहुत लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि ये अपडेट ना थोड़ा टाइम लगेगा इस अपडेट को कंप्लीट करने में, तो समझना इस चीज़ को। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।